क्या कर रही हूँ? ठीक है बोलना, ठीक है मैं बोलने जा रही हूँ, ठीक है बोलना है, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जय बोलो, चलो जोर से बोलने का है, जोर से बोलना, बोलो 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 अब ठीक है, बोलो श्री कृष्ण गोविंद, बोलो श्री कृष्ण गोविंद की जय, पूरा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। है एवरी वन, सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होप से क्या सब बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है वृंदावन जाने की फाइनली। सो वृंदावन जाने की प्लानिंग हमारी काफ़ी टाइम से हो रही थी बट नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रही थी। वो कहते हैं ना कि जब तक उनका बुलावा ना हो आप मतलब नहीं जा सकते दर्शन के लिए। सो फाइनली उनका बुलावा आज आ गया है, सो हम लोग जा रहे हैं। सो कुछ इसी तरीके से इंजॉयमेंट के साथ मस्ती करते हुए हम लोग निकल चुके हैं। एंड ये हम लोग गए थे फ्राइडे वाले दिन, हम लोग निकले थे दोपहर के टाइम, अराउंड 3 o'clock तक हम लोग घर से निकल गए थे। एंड जिस दिन हम लोग को निकलना था मीन्स फ्राइडे वाले दिन, सो उस दिन वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा था, मीन्स ज़्यादा मतलब गर्मी भी नहीं थी, नॉर्मल था। सो काफ़ी अच्छा हो गया था बिकॉज मतलब थर्सडे के नाइट में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश भी हो गई थी, सो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा सा वेदर हो गया था। सो दोनों फ्रेंड एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा इंजॉय करती हैं एंड इतना ज़्यादा मस्ती की है दोनों ने कि दोनों को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कार में। एंड वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करती हैं, सो हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एंड यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग खीरा, सो उसके लिए रुके हैं, हम लोग रुके हुए हैं हाईवे पे, और ये ले रहे हैं खीरा और ककड़ी, और यहाँ पे ये दोनों पहुंचने में अराउंड 8 or 9 o'clock हो जाएंगे, और ये दोनों इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इनको साथ मिल जाते तो कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ जाती है। सो अभी काफ़ी अच्छे अच्छे से व्लॉग आने वाले हैं, सो हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, हम लोग कहाँ गए क्या कुछ हमने किया, सो उस सब का व्लॉग आने वाला है। सो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे एंड ये देख सकते हैं आप कि वेदर कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, बिल्कुल भी मतलब गर्मी नहीं है, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी बट काफ़ी अच्छे से हम लोग पहुँच गए थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। सो कान्हा जी की कृपा से हम लोग काफ़ी आराम से पहुँच गए थे एंड अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कहाँ रुकते हैं, बिकॉज अभी शाम का टाइम हो गया था, आई थिंक 5 o'clock हो रहा था उस टाइम पे, टाइम मैंने देखा नहीं बट ऐसे ही गेस करके बता रहे हो आप लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को कुछ खिला दिया जाए, सो उसके लिए अभी हम लोग कहीं रुकेंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया एंड रील्स वगैरह बनाई एंड यहाँ पे अब ये थक गई थी खेल के, सो आ गई हैं मेरे पास गोदी में। सो दोनों ही लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, वो अपनी मम्मा के पास, ये अपनी मम्मा के पास। सो अब हम लोग रुकेंगे क्योंकि इन लोग को कुछ खिलाना पिलाना भी है। सो हम लोग ने घर से कुछ मतलब कुछ ना कुछ बना के ही लाया था। सो यहाँ पर हम लोग रुके हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे साइड में, और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कुछ पेट पूजा, थोड़ी बहुत भूख लग रही थी सबको, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। एज यू कैन सी दैट कि वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे साइड में ही खड़े थे बिकॉज ये लोग काफ़ी ज़्यादा भाग रहे थे, तो यहाँ पे अभी खेलेंगे ये लोग थोड़ी देर।
क्योंकि बच्चे हैं ना तो ज़्यादा टाइम तक मतलब बैठ नहीं सकते। यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल भी जा रहे हैं सबकी रक्षा करते हुए। इन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब सब कुछ दर्शन वगैरह करा दिया था। सो हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो मैंगो ट्री है इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंगोस लगे हुए थे, सो मैं आपको वो दिखा रही थी। कार के अंदर खा लो, खाओ क्या, तब तक हम लोग बाहर हैं। सो हवा भी काफ़ी जोरों की चल रही थी, धूल वगैरह भी थोड़ी थोड़ी से लग रहा था आ रही थी। सो हम लोगों ने कार के अंदर ही खा लिया ना, हम लोग निकल गए थे। सो वहाँ पे हम लोग 15 से 20 मिनट रुके थे एंड बच्चे भी थोड़ा सा मतलब खेल वोल कर फ्रेश फील कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट हम लोग अराउंड 1 to 2 आवर्स के बाद हम लोग कहीं और भी रुके थे। इसी तरीके से रुक रुक के हम लोग आराम से मतलब पहुँच गए थे कहीं। सो यहाँ पे हम लोग रुके थे हाईवे के साइड में किसी रेस्टोरेंट में। सो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कुछ हल्का सा मतलब ठंडा ठंडा सा कुछ ले लिया जाए, कोल्ड ड्रिंक टाइप का। सो हम लोग ने लिया तो था बट हम लोग ने पिया नहीं, और वो उसके नेक्स्ट डे ही मतलब बच्चों ने पिया। सो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ नहीं मतलब लेते हैं। बच्चों के लिए ले सकते हो, ठंडा नहीं लेना बट। हाँ पापा जा रहे हैं, अभी हम लोग रुके हैं रेस्टोरेंट, देखते हैं क्या मिलता है, लेते हैं जा रहे। तो यहाँ पे दोनों जन को दिख गई थी आइसक्रीम बट हम लोग ने नहीं दिलाया बिकॉज कोल्ड हो जाता नाइट में खाते तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे हमें चाहिए था कुछ नॉर्मल सा जूस टाइप का लाइक फ्रूटी और माजा वगैरह, बट नॉर्मल नहीं था, ठंडा ही था। तो हम लोग ने मतलब ले लिया था। तो यहाँ पे हम दोनों अपना अपना व्लॉगिंग कंटिन्यू करते हुए एंड अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग रुकेंगे वृंदावन में बिकॉज थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँचने वाले ही हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मुझे चला लो ना वाले ग्लास रखे हैं ना इधर ही है ना। कौन सा? हाँ वो वाला उसमें है ग्लास में, मतलब कार में ही है। नहीं कुल्फी उल्फी नहीं, फिर बच्चे भी मांगेंगे ना इसलिए। अभी हम लोग आ गए हैं वृंदावन की नगरी, एंटर हो गए हम लोग अपने वहाँ पे। मोड़ से मोड़ना है ये पता नहीं दिखेगा दिखेगा तो चलो चौराहा टाइप का पड़ेगा। सो फाइनली ये है वृंदावन का कुछ व्यू। सो नगर निगम मथुरा वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है। सो हम लोग अब यहाँ पे एंटर हो चुके थे एंड अब हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे होटल जो कि बिल्कुल भी खाली नहीं था, सब कुछ मतलब फुल ही था बिकॉज नेक्स्ट डे था, अक्षय तृतीया का दिन था। सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। सो रूम भी हम लोग को नहीं मिला था। सो काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली हम लोग को मिल गया था एंड अक्षय तृतीया होने की वजह से अच्छा दिन था। सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ था वृंदावन में। सो कैसा किस तरीके से था सब कुछ आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे वृंदावन में जैसे ही आप एंटर होते हो ना, यहाँ पे कुछ अलग मतलब अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मीन्स ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ अलग ही दुनिया में आ गए हैं। सो वृंदावन जैसे पावन स्थल पे आना ही मतलब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं और ये दोनों गए थे रूम की इंक्वायरी करने। सो फाइनली हम लोग को रूम भी मिल गया था यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूम था। सो यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था एंड यहाँ की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। मीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल रूम।
जो कि कुछ इस तरीके का है लुक वाइज एंड काफ़ी प्यारा भी है। एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने की वजह से हम लोग को रूम्स भी नहीं मिल रहे थे, सो फाइनली ये रूम हम लोग को मिल गया है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा रेस्ट एंड उसके बाद करेंगे डिनर वगैरह, बच्चों को भी कुछ खिलाएंगे। एंड यहाँ पे ये दोनों इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि मतलब मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा था बिकॉज बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम से अपने हेयर के लिए कुछ नहीं किया, सो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी मेहंदी का पेस्ट, जो कि कुछ इस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही थी। और ये है मेथी दाना एंड यहाँ पे मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए, उसमें मैंने ऐड कर दिया मेथी दाना एंड करी लीव्स, जो कि हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सो अब इसे अच्छे से बॉयल होने देना है। सो एज यू कैन सी दैट अच्छे से बॉयल हो गया है एंड देन उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून ऑफ टी एंड ये है नेस्कैफे का पाउच, सो इसे भी मैं ऐड कर दूँगी इसी में एंड ये वाले क्लिप मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। एंड अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है मेहंदी का, सो उसके लिंक मैं आपको दे दूंगी, उस लिंक के थ्रू आप जाके देख सकते हैं। इसका फुल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। काफ़ी अच्छे से ये बॉयल हो गया था, सो अब गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था। एंड ये है मेहंदी का पाउडर जो कि मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक लोहे के बर्तन में। एंड ये जो पानी हमने बनाया था इसी की हेल्प से हम मेहंदी का पेस्ट भी रेडी करेंगे। सो सबसे पहले इसे छान लेना है और इसे हल्का सा ठंडा होने देना है, देन उसके बाद हमें रेडी कर लेना है मेहंदी का पेस्ट। एंड पेस्ट को रेडी करने के बाद उसे छोड़ना है 2 से 4 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए एंड देन उसके बाद ये आप अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इससे आपके हेयर काफ़ी सिल्की शाइनी एंड काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड वैसे भी वेदर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, सो उसके लिए हमें मेहंदी का पेस्ट मतलब लगाना ही चाहिए। सो कुछ इस तरीके से हमारा जो पेस्ट है वो हमने रेडी कर लिया है। सो जब भी आप मेहंदी का पेस्ट रेडी करें, ट्राई करें किसी लोहे के बर्तन में इसका पेस्ट रेडी करें बिकॉज इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। एंड अब ये रेडी है अप्लाई करने के लिए हेयर पे। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कि वीडियो अगर पसंद आए मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।